प्लेन क्रैश की वजह से एक इंसान एक सुनसान आइलैंड पर 4 साल के लिए फंस जाता है और क्या वो वहां से निकल पाता है। कास्ट अवे मूवी की इसी कहानी को लेकर आज हम विस्तार में आलोचना करेंगे। मूवी के शुरू में चक नोलान नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि फेडेक्स के सिस्टम एनालिस्ट एग्जीक्यूटिव है। पहले सीन में चक को रशिया में देखा जाता है एक डिलीवरी हब की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए और एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देते हुए। उसके बाद वो US चला आता है और अपनी गर्लफ्रेंड केली से मिलता है। फिर वो दोनों चक के घर जाते हैं क्रिसमस डिनर के लिए। वहाँ चक के दांतों में दर्द शुरू हो जाता है तो वो डेंटिस्ट के पास जाने के लिए सोचता है। तभी एक इमरजेंसी आ पड़ता है और काम के लिए चक को इस हॉलिडे के अंदर ही मलेशिया जाना पड़ता है। इस बात को केली मान लेती है और कहती है न्यू ईयर्स ईव से पहले वापस आने के लिए। केली जब चक को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है तब केली चक को एक फैमिली घड़ी गिफ्ट करती है, तो चक भी केली को एक बॉक्स देता है और केली को लगती है कि ये वेडिंग रिंग है। पर चक उसे कहता है कि न्यू ईयर ईव में जब वो वापस आएगा तब इसे खोलने के लिए। उसके बाद चक कुछ क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट में बोर्ड कर जाता है, परंतु कुछ देर बाद एक तूफान आ जाता है और पायलट्स रेडियो सिग्नल खो देते हैं। फिर फ्लाइट के अंदर एक धमाका होता है और पायलट्स कंट्रोल खो देते हैं। परंतु इसी बीच चक को एक लाइफ राफ्ट मिल जाता है, फिर वो प्लेन समुन्दर में गिर जाता है। इसके बाद के सीन में चक आंख खोल के देखता है कि उसी लाइफ राफ्ट के मदद से वो एक सुनसान आइलैंड के किनारे पहुंच चुका है और उसी के साथ साथ कुछ फेडेक्स का पैकेज भी उस आइलैंड के किनारे पहुंच चुका था, तो उस पैकेजेस को चक कलेक्ट करता है। फिर वो उस आइलैंड में एक गुफा डिस्कवर करता है और आइलैंड के ऊपर चढ़ के उसे पानी के अंदर एक बॉडी दिखाई देता है, तो वो जल्दी से नीचे आके देखता है कि वो प्लेन के ही एक क्रू मेंबर था। फिर वो उस आदमी को उस आइलैंड में ही दफना देता है। अगले दिन सुबह चक को एक जहाज दिखाई देता है तो वो बहुत कोशिश करता है उसे सिग्नल देने के लिए, पर वो जहाज से कोई भी उसे देख नहीं पाते हैं। फिर वो गुफा के अंदर जाता है और बहुत ही हेल्पलेस फील करता है। तभी वो केली के दी हुई घड़ी देखता है और सोचता है कि उसे यहाँ से जिंदा वापस जाना है, तो अगली सुबह वो सारी पैकेजेस खोलता है और उसे एक आइस स्केट्स मिलता है और एक वॉलीबॉल मिलता है जिसका नाम वो विल्सन रखता है, परंतु एक पैकेज के ऊपर विंग्स ड्रॉ किया हुआ था तो वो उसे नहीं खोलता है। बाकी पैकेजेस के अंदर उसे जो चीजें मिलता है उसी से वो मछली पकड़ता है और एक टेंट भी बना लेता है, और बहुत कोशिश के बाद चक आग भी चला लेता है जिससे कि वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अभी वो खाना पका के खा सकता है। उसके बाद एक दिन उसके दांत पे बहुत दर्द हो रहा होता है तो आइस स्केट से वो अपना दांत खुद ही उखाड़ देता है। और उसके बाद एक साल बीत जाता है और अभी वो उस आइलैंड पर जीना सीख जाता है। वो उसके गुफा के अंदर एक सोलर कैलेंडर भी बना लेता है। फिर एक दिन उस आइलैंड पर एक प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा फ्लोट करके आता है तो चक को आइडिया आता है एक बोट बनाने का। चक कुछ नारियल पेड़ काटता है बोट बनाने के लिए और इधर उधर से कुछ रस्सी का जुगाड़ करता है। रात को विल्सन से बात करते हुए चक गुस्सा हो जाता है और बताता है कि वो उसका पूरा लाइफ इस आइलैंड में एक वॉलीबॉल के साथ बात करते हुए बिताना नहीं चाहता है और विल्सन को बाहर फेंक देता है, परंतु चक को बुरा लगता है और वो जल्दी से नीचे जाके विल्सन से माफी मांगता है। फिर उसका बोट तैयार हो जाता है तो वो निकलने के लिए रेडी हो जाता है। वो बोट चलाने लगता है पर बार बार लहरें आने की वजह से चक को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पर कुछ देर जाके लहरें आना कम हो जाता है, परंतु चक को एक बहुत ही भयंकर तूफान के बीच से गुजरना पड़ता है और बहुत दिनों से कुछ ना खाने के कारण वो सेंसलेस हो जाता है। जब उसका आंख खुलता है तब देखता है कि विल्सन उसके बोट से बिछड़ चुका है, तो वो बोट से उतर के विल्सन को लाने की कोशिश करता है पर विल्सन बहुत दूर जा चुका होता है, तो वो विल्सन को सॉरी बोलता है और बोट पर चढ़ जाता है।
उसके बाद वो फिर से सेंसलेस हो जाता है और जब आँख खुलता है तो देखता है कि उसके पास से एक जहाज गुजर रहा है और वो जहाज उसे रेस्क्यू कर लेता है। कुछ दिन बाद फेडेक्स चक को एक फ्लाइट में यूएस ले आता है। उस फ्लाइट में उसे पता चलता है कि उसके मरने की खबर के बाद केली किसी और से शादी कर ली है और माँ भी बन चुकी है। उसके बाद फेडेक्स की फैसिलिटी में चक को अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है और फैसिलिटी के अंदर जाके चक केली के हस्बैंड जेरी से मिलता है, जो चक को बताता है कि केली उसके वापस आने से बहुत खुश है, परंतु अभी वो इस हालत में नहीं है कि मिल सके। फिर जेरी वहाँ से निकल जाता है और चक खिड़की से देखता है रोते हुए केली को। जेरी गाड़ी के अंदर बैठा रहा है। उस रात को चक केली के घर जाता है और फिर केली उसे बताती है कि उसे पता था कि चक एक दिन जरूर वापस लौट के आएगा। तब चक केली को वो फैमिली घर ही वापस देता है, क्योंकि वो सोचता है कि फैमिली घर ही को फैमिली के पास ही रहना चाहिए। फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और अभी तक केली चक के गाड़ी को संभाल के रखी थी, और जब केली चक को गैराज ले जाके वो दिखाती है तो चक बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करता है और जब चक गाड़ी लेकर जाने ही वाला होता है तभी केली दौड़ के आती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि अभी भी दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, परंतु दोनों समझते हैं कि जो भी हो जाए अभी केली अपने परिवार को छोड़ के चक के पास वापस नहीं आ सकती, तो दोनों वहीं पर बिछड़ जाते हैं। फिर चक एक दोस्त को अपना दुख शेयर करते हुए दिखाई देता है। उसके बाद चक टेक्सास जाता है वो विंग्स ड्रॉ किया हुआ पैकेज को डिलीवर करने, जिससे कि वो उस आइलैंड पर खुला नहीं था, पर उस एड्रेस पर जाके देखता है कि उस घर में कोई नहीं है। तो चक उस पैकेज के ऊपर लिखता है दिस पैकेज सेव्ड माय लाइफ और उस पैकेज को घर के सामने रख देता है। फिर रोड पर आके चक मैप देखकर डायरेक्शन समझने की कोशिश करता है, तभी एक लड़की वहां गाड़ी रोकती है और चक को डायरेक्शन बताती है और चली जाती है। और तभी चक देखता है कि उस लड़की की गाड़ी के पीछे वही सेम विंग्स ड्रॉ किया हुआ है और वो समझ जाता है कि जो पैकेज अभी डिलीवर किया है वो इसी लड़की की है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर ये मूवी देखकर बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता है कि चक सिर्फ उस एक पैकेज को क्यों नहीं खोला था। तो बहुत सारे मूवी एनालिस्ट के हिसाब से उस पैकेज के ऊपर जो विंग्स ड्रॉ किया हुआ था वो ड्राइंग होप यानी आशा को रिप्रेजेंट करती है, और चक को उस आइलैंड पर लगा था कि अगर वो उस पैकेज को खोलता है तो वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि वो इस आइलैंड पर मरने वाला है। और अगर आप एक ऐसे खतरनाक झाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं जिसके अंदर अगर इंसान एक बार जाता है तो कभी भी बाहर नहीं आ पाता है, तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।